तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। क्या अमिताभ और गोविंदा भी आएंगे फिल्म में नजर? क्या है फिल्म से जुड़ी अपडेट्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बड़े मियां छोटे मियां को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इस बार खबर है कि जो कि फैंस के दिल में खुशी की लहर ले आएगी। आपको बता दें कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन की तैयारी हो गई थी, जिसके बारे में अली अब्बास जफर ने खुद बताया था। अब इस फिल्म में स्टार्स को कैमियो के लिए अप्रोच किया जा रहा है। जहां रवीना ने इस मूवी में एक झलक दिखाने से मना कर दिया है, अब मेकर्स ने द ओरिजिनल बड़े मियां छोटी मियां को अप्रोच कर लिया है। जी हां, इस बार मूवी में अमिताभ और गोविंदा की जोड़ी को सालों बाद फिर से देखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इनका एक सीन फाइनल हुआ है, जिसमें ओरिजिनल बड़े मियां और छोटी मियां नए बड़े मियां छोटी मियां के साथ के उनके हम शक्ल्स को पकड़ने का एक प्लान तैयार करेंगे और फिर चारों मिलकर उसी पुरानी टेक्निक से अपने हम शक्ल्स को पकड़ लेंगे। चिंता मत करिए, फिल्म पुरानी थीम पर बेस्ड नहीं होगी। इस पर ठग्स और पुलिस दोनों ही मेटावर्स की शेयर करेंगे। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि ये मूवी आज से कई साल आगे की लाइफ दिखाएगी और गोविंदा और अमिताभ बच्चन का आना ये बताएगा कि चोर चाहे कैसे भी हों, पुराने तरीके हमेशा उनको पकड़ने में सफल साबित होते हैं। बड़े मियां छोटे मियां 2 को लेकर कभी फिल्म के ना बनने की खबर आ रही है तो कभी एक्टर्स के मेकर्स से गुस्सा होने की, लेकिन अब एक राहत की सांस देने वाली खबर आई है। दरअसल प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने फीस को लेकर ही हो रही खींचातानी वाली खबरों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिल्म 90s की बेस्ट मूवी का रिक्रिएशन है और फिल्म का बजट काफी बड़ा है। टाइगर और अक्षय जैसे स्टार्स को लाने के बाद फीस जैसी छोटी चीज पर बहस करना किसी बैनर के लिए अच्छा नहीं है और ये सब बातें सिर्फ अफवाह है, जैसे कि फिल्म का बंद होना। जैकी ने आगे बताया कि फिल्म एक बिग बजट फिल्म है और वो इस फिल्म के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें महीनों लग सकते हैं, जैसे कि अनुमान है हर बड़ी फिल्म के साथ होता है। पर कास्ट फाइनल होने के बाद पूरी टीम यूके उड़ जाएगी, क्योंकि मूवी की सारी शूटिंग उसी जगह पर होने वाली है, जिससे मेकर्स मूवी को आगे 15 से 20 एज की लाइफ में दिखा सकें। साथ ही जैकी ने अगले साल क्रिसमस तक इस व्यूअर को इस तोहफे को देने का प्लान बनाया है। अब आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आप अमिताभ और गोविंदा की केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। धन्यवाद।